नमस्कार, आपका स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने लोक संस्कृति के क्षेत्र में इतना काम किया है कि उनके योगदान को बहुत सालों तक, बहुत दशकों तक और आने वाली एक दो सदियों तक तो याद किया जाएगा, और उनको कई मायनों में एक ऐसे पुरोधा के तौर पर भी लोग याद करेंगे जिन्होंने अपने जीवन के कई बहुमूल्य वर्ष हरियाणा की, भारत की लोक संस्कृति के नाम कर दिए, पूरी तरीके से समर्पित। डॉक्टर महासिंह पूनिया मेरे साथ हैं। महासिंह जी, आपका मेरे चैनल में और इस खास मुलाकात में बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। इनका जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में डिडवाली गांव में एक किसान परिवार में हुआ था, 19 फरवरी 1970 को। जो इनकी उच्च शिक्षा हुई वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हुई, वहीं से इन्होंने पीएचडी की। अभी एक और विषय पे पीएचडी कर रहे हैं, जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया, मास्टर डिग्री की, और 2008 में राष्ट्रीय संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार का है वहां से कंजर्वेशन इन पेंटिंग में ए ग्रेड डिप्लोमा हासिल किया। और जैसा मैंने कहा कि हरियाणा की लोक संस्कृति और लोक साहित्य पर करीब करीब इनका अब 20 वर्ष से ज्यादा का अनुभव है। 15 शोधार्थी इनके निर्देशन में, इनकी देखरेख में लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत कर चुके हैं। इनके भी करीब 45 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। कई अहम विषयों पर इनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। लोक संस्कृति से इनका बहुत ही गहरा जुड़ाव है और अलग-अलग समाचार पत्रों में इनके 1,000 से अधिक शोध पर आधारित आर्टिकल्स, लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने 2005 से लेकर के 2016 के बीच में एक मैराथन अभियान शुरू किया, लाखों किलोमीटर की यात्राएं की, देश के लगभग सभी राज्यों का इन्होंने दौरा किया हुआ है। और लोक संस्कृति से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, जो वेशभूषा है, जो पांडुलिपि है, जो दुर्लभ पुस्तकें हैं, उनका संकलन महासिंह पूनिया ने धरोहर जो एक म्यूजियम है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और जो काफी चर्चित है, जिसके दर्शन अब तक देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के और कई हस्तियां देश विदेश की कर चुकी हैं और सराहना कर चुकी हैं, उसकी स्थापना में इन्होंने अमूल्य योगदान दिया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी हो, ग्रंथ अकादमी हो, उसके सदस्य रह चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो फिल्मों में भी भूमिकाएं निभा चुके हैं। 20,000 फोटो का संकलन उनके पास है, वो एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। और लोक संस्कृति से जुड़ी हुई, प्रकृति से जुड़ी हुई फोटोग्राफी उन्होंने की है, ग्रामीण जीवन को उन्होंने कैद किया है कैमरे में, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, चेक गणराज्य, वियतनाम, स्लोवाकिया, हंगरी, उज्बेकिस्तान, ग्रीस और बुल्गारिया जैसे देशों की अब तक साहित्यिक और सांस्कृतिक यात्राएं कर चुके हैं। और इस समय की अगर बात करें तो इस समय वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं और युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशक हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है, धरोहर का निर्देशन उनको अभी भी मिला हुआ है, मिल रहा है। और जीटी रोड पर जो महत्वाकांक्षी योजना है, 10 एकड़ में जो
भारतीय लोक सांस्कृतिक विरासत पर आधारित एक विरासत हेरिटेज विलेज बन रहा है, उसकी स्थापना में भी डॉक्टर महासिम पूनिया संलग्न है। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगा महासिंह जी कि इतनी कम उम्र में इतना सारा काम, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते हैं? बस जी, मैं क्या बताऊं, ये संस्कार कहिए या मिट्टी से जुड़ाव कहिए या किसानी संस्कृति से लगाव कहिए, ये जो ऊर्जा है केवल और केवल क्योंकि हमने ग्रामीण जीवन में अपना बचपन जिया है और इस मुकाम पर आकर के डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि गांव की संस्कृति के संरक्षण का काम यदि हम नहीं करेंगे तो कोई फरिश्ता नहीं उतरेगा। तो उसी कड़ी में ये हमेशा लगन रहती है कि क्यों ना हम अपनी जो ग्रामीण संस्कृति है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें और उसको रोजगार से जोड़ें, उसको पर्यटन से जोड़ें। उसी कड़ी में यही जिजीविषा, यही लगन, यही उत्साह सदैव बना रहता है और इसीलिए इसमें लगे रहते हैं। जब धरोहर की स्थापना का विचार आया तो कितनी बड़ी चुनौती थी ये? ये बहुत बड़ी चुनौती थी सर, और मैं तो कहता हूँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी ये। एक 40 आदमियों की कमेटी बनी और उसमें वाइस चांसलर हमारे जो प्रोफेसर आरपी हुड्डा, उस समय वाइस चांसलर थे, उनकी 3-4 मीटिंग हुई और डॉक्टर रघुविंदर तंवर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, 3-4 मीटिंग हुई, कोई परिणाम नहीं निकला और बाद में 41वें मेंबर के रूप में मुझे शामिल किया गया। तो मेरे से पूछा गया कि आप कैसे योगदान दे सकते हैं, मैंने कहा जी आपका संग्रहालय तो बना पड़ा है। बोले कैसे बना पड़ा है, हम तो इतनी मीटिंग हो ली अभी तक कुछ भी नहीं है। मैंने कहा जी गाड़ी उठाइए और फील्ड में जाइए और कलेक्शन कीजिए, गांव में आपको संग्रहालय, आपका संग्रहालय बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये काम तो फिर आप ही करो। तो आ बैल मुझे मार, और ये मेरे लिए जो बिल्कुल माइलस्टोन के रूप में साबित हुआ। और हम गांव में गए, गांव में जाकर के मुझे ध्यान है कि वाइस चांसलर ने मुझे कहा कि ये गाड़ी लो, ये पैसे लो और आप जाइए। और सबसे पहले मैं झज्जर के आसपास के जो गांव हैं जिसमें बेरी है, दुब्बल धनमाजरा है, उन गांव में गया और मेरी पहली 4 दिन की यात्रा में मैं हरियाणा की जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे जुड़े हुए 165 आइटम जो है मैं लेकर के आया फ्री में। तो ये जो मेरी पहली यात्रा थी और उसके बाद वाइस चांसलर ने मुझे कहा कि आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना है और ये सिलसिला जो निरंतर रूप से जारी रहा। और इसके लिए मैंने लगातार पिछले 12-13 सालों में 6 लाख किलोमीटर की यात्रा हरियाणा के गाँव की है ऑन रिकॉर्ड, जिसमें हमने हरियाणा की जो सांस्कृतिक जो विषय वस्तुएं हैं उनका संकलन किया है और धरोहर में भी 20,000 से ज्यादा विषय वस्तुएं हमने संकलित की है। मोटे तौर पर हमारे दर्शकों को बताएंगे कि धरोहर में एक्चुअल में है क्या? धरोहर वास्तव में हरियाणा की संस्कृति का वो आईना है, जिसको हरियाणा को देखना है तो उसमें धरोहर के दर्शन आप कर सकते हैं, धरोहर के माध्यम से पूरे हरियाणा की संस्कृति के दर्शन आप कर सकते हैं। इसमें हरियाणा के जो लोक परिधान है वो देखने को मिलते हैं, इसके साथ ही हरियाणा के लोक वाद्य वृंद है वो है, हरियाणा की खेती बाड़ी की विषय वस्तुएं हैं वो यहाँ पर है, और जो हरियाणा का लोक पारंपरिक जो स्वरूप आर्किटेक्चर जो वास्तुकला है उस दृष्टि से भी आप इसे देख सकते हैं। हरियाणा का कोल्लू, पनगट और हरियाणा के जितने लोक पारंपरिक काम धंधे हैं, चाहे उसमें लोहार है, सुनार है, नाई है, तेली है, धोबी है, जुला है, बड़बूजा है, और इसके अतिरिक्त जैसे जो पेपर मैसी बनाने की हमारी जो कला थी, बोइया बनाते हुए, और जो चरमकार गांव में किस तरीके से काम करता है उसकी जो पूरी पारंपरिक जो शैली है उसकी हमने डॉक्यूमेंटेशन की है। और इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि उसमें ब्लॉक प्रिंटर जो होते हैं, शिल्पी जो होते हैं गांव में, तो वो किस तरीके से कपड़े रंगते हैं, इस तरीके से जो ताले बनाने वाले सिकलीगर है कैसे ताले बनाते हैं, उनकी परंपरा क्या है, उनका इतिहास क्या है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर संकलित की हैं। और इसमें 54 से ज्यादा हमने भाग जो है वो स्थापित किए हैं। एक इसमें लाइब्रेरी भी है जिसमें कोई भी विद्यार्थी आकर के जो हरियाणा पे शोध करना चाहता है तो हरियाणा की विषय सामग्री उसमें है, जो हरियाणा के साहित्यकारों द्वारा और हरियाणा के ऊपर जो भी शोध हुआ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, वो सारे का सारा हमने एक स्थान पर संकलित किया है। तो कितने चरणों में इसको आपने अभी तक का जो स्वरूप है ये आकार दिया है, कितने चरणों में ये काम पूरा हुआ? तक सभी 2 चरणों में हुआ, 2004-05 में हमने इसकी यात्रा शुरू की
और यात्रा शुरू करने के बाद हमने 1.5 साल तक गांव में जाकर के हमारी पूरी टीम ने इसका संकलन किया, विषय वस्तु का संकलन किया, और 28 अप्रैल 2006 को इसकी जो ओपनिंग हुई, जो भाग एक है जिसमें हमने हरियाणा के साथ साथ हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका आर्काइज, और हरियाणा के जो वीर योद्धा हैं उसका आर्काइज, पांडुलिपियां, और हमारी जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पुरातात्विक दृष्टि से जो शोध किया है, जो संकलन की है चीजें, वो सारी यहाँ पर संकलित करते हुए एक छोटा सा हमने ये संग्रहालय स्थापित किया। पहले भाग में हमने मीडिया सेंटर भी बनाया, और इस तरीके से एक छोटा सा संग्रहालय से हमने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन बाद में इसकी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली, लोगों ने इसे देखा, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, वो भी देख करके बहुत ज्यादा खुश हुए, और प्रारंभिक दौर में 2006 में इसका पहला भाग जो है वो स्थापित हमने किया था। अब तक कितने देशों के लोग यहाँ इसको देखने के लिए आ चुके हैं, और अगर कोई रिकॉर्ड हो तो कितने दर्शक अब तक यहाँ का दौरा कर चुके हैं? इसमें जी अभी तक हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें 108 जो कंट्रीज हैं उनके डेलीगेशन, उनके टूरिस्ट इसको देखने के लिए आ चुके हैं। और इसके साथ साथ शुरू में तो हमारा जो दर्शकों का स्तर छोटा था, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और इस तरीके से अब हमारी संख्या 25 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है दर्शकों की संख्या पिछले 12 साल में। तो एवरेजली एक साल में 1.5 से 2 लाख तक जो दर्शक है वो इसे देखने के लिए आते हैं, और इसके माध्यम से अब तो धीरे धीरे जो भी कुरुक्षेत्र में आता है सबसे पहले धरोहर हरियाणा संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का तो उसमें जाना पसंद करता है, क्योंकि उसमें वो अपना जुड़ाव महसूस करता है। उनके पूर्वजों के पास बहुत सी ऐसी चीजें थी, वो तांगा चलाते थे, रथ चलाते थे, वो उस तरह के रसोई के बर्तन उनके घर में होते थे, कपड़े इस तरह के पहनते थे, इस तरह के लोक वाद्य यंत्र थे, वो सारी परंपराएं। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी संग्रहालय में जब तक भावना नहीं जुड़ेगी तो उसमें दर्शक नहीं जुड़ेगा, इसलिए भावनाओं का संचार जो है हमारा संग्रहालय है। और इसमें डॉक्टर साहब एक बहुत जो सुखद बात जो मुझे, जो आप यू कहिए कि जो बीज है इस संग्रहालय का, इसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बच्चे आते हैं, और जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर है वो एल्डर टू चिल्ड्रन होता है, यानी कि बुजुर्ग बताते हैं बच्चों को, भाई ये चीज जो तेरी दादी के पास थी, ये चीज हमने चलाई हुई है, ये चीज हमारे जमाने में थी। तो बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होता है, और बच्चों को ये भी पता चलता है इस संग्रहालय के माध्यम से कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके पास कितना खजाना है, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारे चलते फिरते कल्चर के इंसाइक्लोपीडिया है, उनके पास उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, वो बड़े हैरान होते हैं सुनकर के बुजुर्गों से इस तरह की बातें। कुछ हस्तियां जिनका उल्लेख करना चाहें आप, जिन्होंने यहाँ का दौरा किया है और आपके रजिस्टर में कोई खास बात लिखी हो, या दौरे के समय उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हो आपसे जिनसे आपका भी उत्साहवर्धन हुआ हो, और जो लोक संस्कृति के प्रेमी हैं उनके लिए भी एक कहना चाहिए कि प्रोत्साहित करने वाले वाक्य रहे हों। इसमें जी अभी तक जो है हमारे जो मॉरिशस के राष्ट्रपति जो थे वो आ चुके हैं, इसके साथ ही देश के राष्ट्रपति जी वो भी आ चुके हैं, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी हैं वो भी आ चुके हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसको देख चुके हैं, हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और भारत के बहुत से राज्यों के जो मतलब इंटेलेक्चुअल के साथ साथ कुछ मुख्यमंत्री, कुछ विधानसभा अध्यक्ष का एक सम्मेलन हुआ था चंडीगढ़ में, तो भारत के सभी राज्यों के जो है विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो उन्होंने बस मुझे कुल मिलाकर के ये लगा कि ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी भी हमेशा यही कहते हैं कि उन्होंने यही कहा कि डॉक्टर साहब इस काम को और आगे बढ़ाओ, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। शायद यही एक उत्साह का वाक्य है मेरे लिए, माननीय प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति द्वारा ये कहना कि इस काम को और आगे बढ़ाओ, उसी परिणाम स्वरूप जो विरासत हेरिटेज विलेज है वो आने वाले दिनों में शायद बहुत अच्छे स्वरूप में, जो धरोहर से भी लगभग 10 गुना बड़ा होगा, तो हम नए स्वरूप में उसको प्रस्तुत करेंगे। तो ये मेरे लिए उत्साह वाक्य है कि जब देश का प्रधानमंत्री आपको ये कहता है कि डॉक्टर साहब इस काम को आगे बढ़ाइए। जो धरोहर में नहीं है ऐसा क्या होगा जो नया 10 एकड़ में ये हिरासत हेरिटेज विलेज बन रहा है?
इसमें सर एक तो मेरा 20 साल का अनुभव होगा जो धरोहर में नहीं है, और इसके साथ धरोहर में जो चीज हम नहीं कर पाए वो फलीभूत होगी यहाँ पर। एक पूरा मिनी इंडिया आप देखेंगे, और गांव की जो विरासत है डॉक्टर साहब उसको अभी तक हम टूरिस्ट से नहीं जोड़ पाए, उसके क्राफ्ट को टूरिस्ट से नहीं जोड़ पाए, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे साथ। जैसे धरोहर में स्टिल है हमारे सेक्शन, जितने भी हमारे जो प्रोफेशनल टूल्स हैं काम धंधे हैं वो स्टिल है, हमने मैनिक्विंस के माध्यम से दिखाए हैं, लेकिन विरासत हेरिटेज विलेज में आप देखेंगे कि यहाँ पर वो चीज लाइव रहेगी, वो चीज लाइव रहेगी। जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग है, कैसे कपड़े रंगते हैं, यहाँ पर लाइव दिखाया जाएगा। कोई ग्राहक, कोई टूरिस्ट खरीदना चाहता है तो वो तुरंत खरीद ले। हम इस फॉर्मेशन में, जैसे कारपेंटर है, लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति है, तो उसने रथ बनाए, उसने बैलगाड़ी बनाई, उसने हल बनाए, जुए बनाए, लेकिन वो बाजार की मांग के अनुसार वर्तमान में ऐसी चीजें भी बनाए जो बाजार में उपलब्ध हो, उनको ट्रेनिंग दे करके हम बाजार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से जैसे फुलकारी निकालने का काम है, अब दुकानिया सोपली जो बड़ी बूढ़ी नहीं ओढ़ती, लेकिन स्टॉल के रूप में हम उसे लॉन्च कर सकते हैं, उसी विधा को नए स्वरूप में लॉन्च कर सकते हैं। और जो ट्रेडिशनल फूड होगा वो हमारा हरियाणा का जो खाना है या नॉर्थ इंडिया का जो खाना है उसको आप लाइव यहाँ पर मतलब खास कहेंगे चूल्हे पे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी चीज हम यहाँ करने जा रहे हैं कि किसी को ट्रेडिशनल तरीके से मैरिज करनी है अपने बच्चों की, कोई गुजराती स्टाइल में करवाना चाहता है, कोई पंजाबी स्टाइल में, कोई हरियाणवी स्टाइल में, कोई भी राजस्थानी स्टाइल में, तो उससे हम पूरे लोग पारंपरिक तरीके से विवाह की व्यवस्था होगी, और जिसमें जो बच्चे हैं जैसे संगीत विभाग के बच्चे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, वो गीत गाएंगी लड़कियां, और इस तरह से परंपराएं भी बचेंगी, संस्कार भी बचेंगे, और एक जो विवाह की जो शैली है, लोक पारंपरिक शैली है, उसमें भी जो है नया स्वरूप आएगा। तो जिस प्रकार लोग राजस्थान में जाते हैं विवाह करने के लिए, उदयपुर में जाते हैं, इस पे वहां की संस्कृति इतनी पॉपुलर हो गई है, तो हमारी भी हो सकती है, लेकिन एक प्रयास अभी तक किसी ने नहीं किया है। हमारा ये प्रयास रहेगा इसमें कि हम जो गांव का क्राफ्ट है, जो गांव का ट्रेडिशन है, उसको हम टूरिस्ट